कितने सूत्र आपने पढ़े कर चुके हैं किसका है किसका है वार्तिक है उसके बाद लगातार कि प्रभु ढोने से सुन वार्तिक जो अच्छा बना हमने से वार्तिक है आज ना वार्तिक है इस समय रीवा रीवा वार्तिक है उसके बाद आपका अगला समय दिन है ये क्या है ये सब जानत रहा सिद्धांत कौन दिखा तब केवल एक ही सूत्र है तच्छ बाकी लगभग आधा वार्तिक हो आधा सूत्र हो जो आचार्य है वासुदेव ये सब वार्तिक नहीं कह सकते ये सब पालन के सूत्र कह सकते है ना परिवर्तन
ये कंडीशन है, क्या दिखाई दे, कोई भी स्वर दिखाई दे, दीका या दुका दीका दीका लाल, ये क्या है आपका परिमेय। कंडीशन क्या दिया, दीप के बाद कोई आसमान है ना, अभी रुक जाओ, दीप के बाद क्या हो कोई। अब जरा हम देखते हैं इत के बाद स्वर ई में आया क्या, इति उपु रीरी रीरी और रीरी। अब ई के बाद अगर ई आ जाए ये भी स्वर है, उ के बाद उ आ जाए ये भी तो स्वर है, री के बाद री आ जाए ये भी स्वर है, री के बाद री आ जाए ये भी स्वर है ना। तो ये बात आपको पाणी मतलब बाबूराम सक्सेना में पहले ही बता दिया गया, आपका स्वर्णे ये कहता है यदि अब प्रत्याहार के बाद अब प्रत्याहार के बल दिखाई है ना, देर हो जाता है समान बल सवर्ण, तो ये सवर्ण की बात कर रहा है ना, यहाँ पे सवर्णी हो जा रही है, सवर्णी ना हो बल्कि कैसे हो असवर्णी हो, सवर्णी ना हो बल्कि असवर्णी यानी समान ना हो बल्कि असमान हो, तो कोई फर्क लेकिन री ई के बाद ई को उ के बाद उ को री के बाद री को री के बाद री को है ना। तो अब आपका ये परिभाषा बनता है वास्तव में ये कैसा है, इस तरह आपका कह रहा है एक प्रत्याहार के क्या दिखाई दे, अच्छा वो भी कैसा आसमान। अब यहाँ कह सकते हैं आसमान समझने के बाद है ना, तो एक में हमारे कौन कौन से वर्ण है, इति उपु और इतने बड़ा है, इनका परिवर्तन है किसमें होगा, घर में और ईयर में कौन कौन से वर्ण, या वा, तो यहाँ पे कितने वर्ण दिखाई दिए, एक दो तीन चार, चार इधर है चार इधर, चार वर्णों का जो परिवर्तन होगा क्रमशः होगा यानी टिक टिक का यम, उका वा, री री का राम, री का राम, यही हमारा क्या है, यही आपका परिभाषा या मूल नियम हो गया। अब यहाँ लिखना नहीं, यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ परिभाषा बना सकते हैं डायग्राम पे ना, कराकित प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर हो या उच्च हो तो इत का परिवर्तन यर में क्लियर, एकदम क्लियर ना, तो ये अच का मतलब स्वर होता है यानी असमान, ये डायग्राम आप बना दीजिए आपको काम का तो है ना, इसको आगे क्या कर जाएगा ठीक है, इको ये अच उतारो लेंगे, हाँ उतार लेंगे रेशम की घर में घर संख्या बढ़ रही घट रही है, बाढ़ खत्म हो रही धीरे धीरे ना, सितंबर दीपावली बाद है सितंबर चल रहा है, अभी पानी पहले ऐसे ही लोग भगी घर में सितंबर चल रहा है पेपर डेट का है कल तुम कहां बढ़िया से पेपर डेट आए जैसे कमाप खोलने के लिए पैसा ढोरा होगा आगे बैठे मेरा पैसा चले कर दिया जाए व्यवस्था दी जाएगी भाई, जो पहले आओ पहले पाए, जो पहले आओ पहले ना माई ना पहले आओ पहले पाओ, छोटवा कहिया काम दे बस पे, देखिए बस पे जब चढ़ते हैं लोग कभी भी उसका कंडक्टर ये नहीं कहता इसकी जगह ये ना है ना, लटका रही तो आई है बहुत जगह है ना, जैसे ढकेल देता है तुरंत जाओ
इसके लिए देखिए
धन आदेश, गुरु धन आदेश, अब यहाँ क्या है, ऊ के बाद क्या है आसमान, इसलिए उनका परिवर्तन किस में हो जाएगा, इधर क्या है आगतम और इधर क्या बच्चा केवल साधा सौ है ना, यही तो बच्चा। अब हुआ में बड़ा दूरी आएगा ना, ये हो गया हुआ आगतम, क्या हुआ आगतम, और इधर आधा साहब बन गया आगतम है ना। इसी तरह आप क्या बता रहे थे, अभी शिष्य कौन है, किसने कर देंगे, इधर क्या है यही है ना, अगुआ में आई जुड़ी आएगा, क्या मिलेगा यही वाला ना। अब ये कहाँ से निकाले रहे, सात से छोटा निकाले रहे ना जी, इधर क्या होता है शिष्य सबके हलंत, इधर भी क्या होता, अब ये शिष्य है, अब ये आधा सा है, इधर हम आधा सा भी क्या बोलिए शिष्य कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए री वाला के नाम देखते हैं, उधर जैसे यहाँ पे कहा जाए पितृधन आकृति, पितृधन आदेश या आकृति कुछ भी है ना, पितृधन आकृति। अब इधर क्या है री है, री के बाद असमान स्वर है ना जी, री के समान वर्ण तो नहीं है ना, तो इधर री का वर्ण तो किसने कर देंगे रा में। अब इधर क्या है आकृति यही है ना, और इधर क्या बचेगा भाई पित्त, अब ता में रात को जुड़ेगा तो त्रा बनेगा है ना, ता और रात में जब भी होता है क्या होता है त्रा, अच्छा पर निर्माण कर देता है। तो यहाँ पे अब पहले तो रामे बड़ा थोड़े में क्या बन गया राकृति, क्या बनाइए कि डायरेक्ट जोड़ दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं ता और रा जोड़ेंगे आधा त्रा बनेगा, त्रा में बड़ा की मात्रा क्या बन जाएगा त्रा, यही बनेगा ना भाई तारा जोड़ेंगे आधा त्रा बना और त्रा में बड़ा आपकी मात्रा कर दिए त्रा, ये हो गया। अब लिरिक का देख लो जरा है ना, यहाँ पे लिरिधर आकृति कर दो या लिरिधर आकारा कर दो है ना। अब लिरिक का डायरेक्ट लिरिक के बाद हम क्या देख रहे हैं आसमान से, तो लिरिक का प्रयोग किसमें हो जाएगा लाल, अब लाद हम अकार करेंगे डायरेक्ट हमारा क्या बन जाएगा लकार, डायरेक्ट जोड़ दें डायरेक्ट क्या बन गया लकार है ना। ये सारे डायरेक्ट ना आप इसको आप ले जा ला सब में बताएं आकृति का कहने का मतलब है धन आकृति बना सकते लाख
हो गया जी बता दो आगे बढ़ाए नेक्स्ट सूत्र आपका बनेगा एचो यवा यवा आवा एचो यवा आवा तो हो गया कौन आ रहा है अभी हां गाली काफी ना लाइक दैट वही है एच यावा यावा क्या देखिएगा यहां क्या है एच धन आय धन अव धन आय धन आव तो महादेव घर तो फूंक ही आए कल ये तांडव महादेव घर है ना हाँ वही फूंक के आए यहाँ देखो जा रही है आग लग रही है तो आगे चले अच्छा देखिए अच्छा यहाँ यहाँ पर जो विद्रा है विग्रह जब करते हैं यहाँ देखिए एचा है विसर के अगुआ आवा पिछुआ आवा जब एक जोड़वा तो एचो बन जाए विषक ओ बन जाए जैसे ही विषक का ओ बना ये हमारा छोटा किसमें तब्दील हो गया आय में आय में तब्दील अवग्रह में तब्दील हुआ अब अवग्रह के बाद क्या दिखा या या है या में छोटा जोड़ेंगे तो या पूरा हो गया फिर उसके बाद क्या हुआ है वो में बड़ा जोड़ेंगे थोड़ा वह पूरा हो गया अब उसके बाद या है या में बड़ा जोड़ दे या पूरा हो गया इधर वह है यानी इन सबका मिश्रण ही बनाया क्या गया है एचो यवा अब यहाँ पे हम देखते हैं जो एचा है ये एच प्रत्याहार है कौन सा प्रत्याहार करा एच प्रत्याह अब ये कहाँ पर षष्ठी एक वचन बाकी ये सब कुछ नहीं है ना एचा आपका षष्ठी एक वचन का रूप है यहाँ से परिभाषा हो जाता है करा एच प्रत्याहार के वर्णों का परिवर्तन क्रम सा आय अव आय अव में हो जाता है कंडीशन नहीं दिया इन्होंने इन्होंने कंडीशन नहीं दिया किस कारण से होगा क्यों होगा कब होगा किस परिस्थिति में होगा डायरेक्टली आगे पीछे तो कुछ होगा एक प्रत्याहार के बोलो का परिवर्तन किसमें कर रहे हैं आय आओ में और उधर एक प्रत्याहार के बाणों का परिवर्तन हो रहा था यावराला में तो हाँ एक कंडीशन था अच्छी तो सूत्र संख्या कितना है 77 और इसका सूत्र संख्या कितना है 70 यानी अच की क्या की गई है अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से अच की क्या की गई अनुवृत्ति इनको यड़च से इन्होंने अच की अनुवृत्ति कर ली है यानी एच यवा यावह अच ही होना चाहिए था इनको क्या लिखना चाहिए था एच यवा यावह अच ही हां यह तो लिखे रहा काहे लिखे ना फारिन जो किया एक बार कह देते उसको दोबारा नहीं कहते का करबा हम फिर से बोल करना बोलो का करते उधर ना इस तरह
झगड़ा के है ना कब कब है मुझसे वो झगड़ा की भाव आपके साथ रख चुका होगा ना कब है मुझसे वो बोलो बताई इको गलत इससे इन्होंने क्या अनुमति किया इसकी अनुमति हुई है अच की तो अच का मतलब क्या है बाद में स्वर बोले यही अनुक्ति ले लेंगे यानी एक प्रत्याहार के बाद में कोई भी स्वर हो तो एक प्रत्याहार के वर्णों का परिवर्तन क्रमशः आय आओ आय आओ में हो जाता है कंडीशन क्या है बाद में कोई भी स्वर हो है ना बात काम करनी बाद में कोई भी स्वर बाद में कोई भी स्वर हो इसको उठाया हो गया क्लियर परिभाषा बन गई ना एक प्रत्याहार के बाद में कोई भी स्वर हो तो एक का परिवर्तन आय में ओ का औ में ऐ का आय में औ का औ में हो जाता ये इसका ग्राफ ने इसकी परिभाषा ठीक उतारना हो गए बहुत सरल है सब जो चिल्लात हो वही नाते ना सरलता के नाते चला के विक्रा कैदा काट में तीनों जने से और बाद में दो धन एव बस आओ 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 दो दो धन ये देखो पकड़ लिए फटाक से दो धन साइट में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं पठन पाठ अभिज्ञान साधुक्रम का दो ही ये अभिज्ञान साधुक्रम में है में भी मिलेगा कई जगह मिलेगा ये है ना ये जैसे आप देखोगे जब कौन तीनों सखियां थी इकट्ठा थी है ना तो राजा कौन दुष्यंत के दो ही हमारे वंश को अलंकृत करने वाले हैं इस तरह करके है ना दो ही मेरे वंश के क्या है आधार एक तो ये क्या है समग्र रूपी मेघला से एक में दूसरी कुमारी सखी ये शकुंतला के लिए कहा गया ना ये समझिए इन शब्दों का प्रयोग साहित्य में अक्सर होते रहते हैं सर उसकी जो पीछे है भाई आरोप बना उसमें बहुत बहुत संपत्ति है खाना का अवग्रह हो गया हां अतो रोना कुत्ता जो कुत्ते जहां जहां रहता है पूर्ण रूप संपत्ति वहां वहां रहती है इस सूत्र के बाद पूर्ण रूप संपत्ति यानी देवता पर एक पद पर हमेशा साथ रहता है अतो रोना कुत्ता तो कुत्ते के बाद एक परंपरा साथ कर रहेगा तो रहेगा एकता प्रदान कर हाँ एकता प्रदान कर पूर्व रूप है ना एकता प्रदान कर चलिए चलिए क्या पर देखते हैं क्या पर क्या क्या है एका एन क्या है हरे धन अब यहाँ ये नहीं कह रहा समान हो असमान कौनो स्वर हो का बात हो कोई भी हो एक के बाद ए ही मिल जाए कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ हमने देखा हरे में क्या है ए है एक के बाद कोई भी स्वर है तो ए का परिवर्तन किसने आय में कर लिया इधर क्या था ए था इधर क्या था हर था यही ना अब ये रा अधूरा है रा में आ जोड़ देंगे या में एक की मात्रा क्या बन गया हा हो गया ना दूसरा अब का बताओ भाई विष्णु धन ए नहीं
अब यहाँ क्या है, ओ है, ओ के बाद कोई भी स्वर है, ओ का पहले तो उसमें हो जाएगा ओ में, कर लिया। इधर क्या है ए, इधर क्या हो जाएगा विश्व ना, अब रा में छोटा वा में एक ही मात्रा क्या बन गया विश्व, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे देखिए, मैं बनाता हूँ धन आई का है, इधर नाम में क्या है आई है, आई के बाद कोई भी स्वर है तो आई का परिवर्तन किस में जाएगा आई, आई में इधर आधा ना, इधर क्या बचेगा पक्का है यही ना, ना में बड़ा आ या में छोटा, जो दीजिए क्या बन गया नायका। अगला बहुधन, इधर क्या है औ है, औ के बाद कोई भी स्वर है, औ का परिवर्तन किसमें कर देना है औ में, इधर क्या है अच्छा इधर क्या था था, था में बड़ा की मात्रा हम जोड़ देंगे और वा में छोटा की मात्रा क्या बन गया। इस तरह एग्जाम्पल से उन्हीं को आधार मानकर हम क्या करते हैं बात को समझते हैं जानते हैं ना। ये एक्चुअली हमारी हवा आपका है, इसके बाद आपके आते हैं दोपहर अगर राम पढ़ता है कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, चाहे पुस्तक को पढ़ रहा होगा, चाहे पत्र को पढ़ रहा होगा, लेखनी को पढ़ा होगा, कुछ पढ़ रहा है वहाँ कर्म है, सकर्मक होना चाहिए। अकर्मक भाई अगर कोई कह दिया कोई विशेष नियम होगा तो अभी कहीं नहीं, यहाँ अकर्मक क्रिया के चार नियम बताए गए हैं, किसे अकर्मक कह सकते हैं है ना।
जब धातु का अर्थ बदल जाए तो सकर्मक क्रिया भी अकर्मक बन सकती है ना, और जब धातु के अर्थ में ही कर्म समाविष्ट हो, जब धातु के जैसे कहना जीता है यानी जीवन जीता है, अगर कोई जी रहा है जीवन को ही जी रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या मिलेगा, अकर्मक क्रिया ही मिलेगा ना। चलिए वो बाद में भी पूछ लीजिएगा, अभी बिना की घर है ना, अभी बाद में पूछ लीजिएगा, अभी लास्ट में पूछ लीजिएगा, थोड़ा दिमाग को बन ले जाए ना, थोड़ा उसको मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि अकर्म क्रिया के लिए चार सूत्र बताए गए हैं आपके कारक प्रकरण में है ना, यहाँ पे ये है अकर्म क्रिया धातु अर्थात करे वृत्ते धातु अर्थ रूप संग्रहातो प्रसिद्धे आविच्छादा कर्म रो अकर्म क्रिया, इस तरह करके है ना, यानी कर्म को भी अकर्मक क्रिया बना दी जाती है किस अवस्था में, बात समझिए ना, यानी जो सकर्मक धातु है उसको भी अकर्मक की संज्ञा दी जाती है, उसकी चार अवस्थाएं बताई गई है ना। एक तो सीधा सीधा आपका ये है कि जिस क्रिया के साथ कोई कर्म परिलक्षित ना हो, महसूस ना हो, वो आपका अकर्मक है, और जब किसी क्रिया के साथ कर्म का क्या हो आभास हो जाए, परिलक्षित हो जाए, मालूम पड़े था बिना कर्म के इस क्रिया को किया नहीं जा सकता, वो हमारा क्या कहता है सकर्मक, छुपा हो जाना है ना। और यहाँ पे कहा गया कुछ सकर्मक क्रिया को अकर्मक क्रिया की श्रेणी में रखा जाता है ना, श्रेणी में रखा जाता सकर्मक क्रिया को अकर्म, तो उसके लिए चार नियम होता है, पहला धातु का अर्थ जब बदल जाए सकर्मक क्रिया होते हुए भी वो अकर्मक हो जाती है, बस ना, दूसरा कहें जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो, जब धातु के अर्थ में कर्म समाविष्ट हो तो वहाँ भी हम उसको क्या कह देते हैं अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब धातु का कर्म अत्यंत प्रख्यात हो, इसी धातु का कर्म अत्यंत प्रख्यात हो, जैसे हमने कहा बादल बरसता है तो हम जान रहे हैं बादल क्या बरसता है, जल को ही बरसाता है, किसी और को नहीं, ईटा पाथर ना बरसा, ऊपर कर्म विख्यात हो जल को ही बरसाए जमा है ना, तो ऐसे स्थिति में बरसा के आपका क्या हो गया अकर्मक हो गया है ना। और जब कर्म का कथन अभीष्ट ना, जब कर्म कहना अभीष्ट ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी उसे हम क्या मान लेते हैं अकर्मक क्रिया है ना। अब यहाँ अकर्म क्रिया माना जा सकता है इस वजह से जब कर्म का कथन अभीष्ट ना हो, जैसे आपने कहा रमेश पढ़ता है ना, रमेश पढ़ता कुछ तो पढ़ रहा, हम कहना चाह नहीं रहे, यहाँ कर्म का कथन अभीष्ट नहीं करना चाह रहे हैं है ना, तो यहाँ मान सकते हैं लेकिन वास्तव में वो क्या है सकर्मक है ना। अगर ये सूत्र 184 तो आप ये जानिए सकर्मक अकर्मक क्रिया में अंतर क्या होता है, सामान्य नजर से अगर उन्होंने पूछा है सूत्र की बात नहीं की है तो वो सकर्मक है ना, वो सकर्मक है, बाकी अकर्मक के लिए कुछ नियम होते हैं, बस समझ लें हो गया ये। चलिए अगला सूत्र क्या है, लोपः साकल्यस्य, तो लोपः साकल्य देखिए भैया साकल्य आचार्य आ गए हैं ना, इन्होंने लोप किया है, लोपः साकल्यस्य, आचार्य पाणिनि ने साकल्य आचार्य का क्या किया है, मान सम्मान किया है, उनके मान सम्मान को रख करके उन्हीं के नियम को यहाँ पे बताया, उसको अपना सूत्र बना दिया लोपः साकल्य, जबकि साकल्य में कुछ होता होगा ना,
जैसे वहाँ वास्तु का पिछला कह दिया गया था है ना, वैसे यहाँ लोपा साकल यानी साकल ने कुछ लोप विधान किया था। साकल ने क्या किया था? लोप विधान किया था। उस लोप विधान को पालन यहाँ पर क्या किया अपने सूत्रों में समझ। अब ये लोपा साकल्य क्या है? साकल्य आचार के अनुसार बताया गया कि यदि पदांत या वाक्य ठीक पूर्व क्या दिखाई दे छोटा आया कह रहे हैं किसी पद के अंत में यावा हो और उसके ठीक पूर्व छोटा अथवा बड़ा हो और बाद में अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो यह वाक्य विकल्प से लोप हो जाता है यानी हम चाहे तो करें अथवा न करें। अब ये जो पाणी ने बाबूराम सक्सेना में जो बात कही है ना, अब इस बात से आप ऊपर उठ जाएंगे कुल मिला के किसको किस पे कटाक्ष किया गया है आपका एचो यवा यावा। यद्यो यवा यावा जब अपना काम कर चुका होता है यानी ए का ऐ में ओ का औ में ऐ का आय में औ का औ में जब परिवर्तन करेगा तो भैया यह बात पहले छोटा बड़ा दिखावे करें ए का किस में ऐ में ओ का किस में औ में ऐ का किस में आय में और औ का किस में औ में। अब ये हुआ ना, अब यह के पहले का है छोटा वाक पहले छोटा या पहले बड़ा वाक पहले ये था साकल्य या वाक पहले क्या दिखाई दे छोटा आया। ये चीजें कहाँ दिख रही है आया की स्वर पसंद इसी को कह रहे हैं पदांत या वाक्य पहले क्या दिखाई दे छोटा आया। जब हमने पौ का पाव बना लिया नई का नाय बना लिया है ना, तो उसके बाद ये आ गए हैं कौन साधन। इन्होंने कहा या वाक्य पहले क्या दिखाई दे छोटा आया बड़ा ये स्थिति बता दिया और बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण। अब अस प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक संपूर्ण स्वर आ गए एक से लेकर कहाँ तक दस तक सारे स्वर आ गए हैं प्लस हा आ गया प्लस अंतस्थ वर्ण आ गए और प्लस बल के तीसरे चौथे पांचवे वर्ण आ गए। कितने वर्ण आ गए भैया किसे छोड़कर बारह प्लस तीनों सात है ना, बारह प्लस तीनों सात को छोड़कर वर्णमाला के सारे वर्ण किसमें आगे अस प्रत्याहार करे अस प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो किसके बाद इसके बाद है ना, ध्यान देना है या वाक्य पहले क्या परिस्थिति हो और इसके बाद कैसी परिस्थिति हो अस प्रत्याहार के वर्ण की ऐसी स्थिति में इसका हम विकल्प से लोप कर देंगे चाहे तो लोप करें अथवा लोग करते हैं तो इनका ये नियम होगा और लोग नहीं करते हैं तो हमारा एक यावा यावा। अब लोग करने के बाद क्या है जब यावा का लोप हो जाएगा तो उसके बाद का स्वर और इससे पहले का स्वर आपस में मेल नहीं करेंगे यही आगे कहा गया पूर्वात सिद्धम इति लोप शास्त्र असिद्धवात सिद्धवत क्या असिद्धवत असिद्धवात ना स्वर संधि यानी इन्होंने कहा कि स्वर संधि नहीं होगी किसमें यदि हम दो स्वरों के मध्य किसी व्यंजन का लोप कर रहे हैं तत्पश्चात दो स्वर आपस में टकरा रहे हैं तो उनकी संधि नहीं होगी। ये इसका क्या है मूल व्याख्या है कि यदि किसी व्यंजन का लोप किया जाए दो स्वरों के मध्य किसी व्यंजन का लोप कर दिया जाए तो व्यंजन के लुप्त होने पर दोनों स्वर आपस में संधि कार्य नहीं करें। बात समझ में आया यही है पूर्वात सिद्धम इति लोप शास्त्र से असिद्धवात न स्वर संधि क्लियर हो गया ना, तो ये यहाँ पे किया गया है। तो अब यहाँ पे लोपा साकल्य का जो मूल है यही है भैया ये कहते हैं छोटा आया बड़ा कहाँ हो या अथवा वाक्य पहले हो और इसके बाद क्या हो अस प्रत्याहार का वर्ण हो इसका क्या हो जाता है विकल्प से
इनकम से कितनी बात क्लियर हो गई। रूपा सकल या वाक्य पहले छोटा या बड़ा बदिया में अस प्रत्याहार का तो यहाँ विकल्प से क्या कर दिया जाएगा दो। अब यहाँ जरा देखिए इन्होंने अस कहा, अस में क्या क्या मिला, स्वर और व्यंजन दोनों मिला है ना अस में स्वर और। कह रहे हैं कि यदि या वाक का लोप करने के बाद अगवत तो स्वर है ही, पिछवा अस में स्वर भी हो सकता है या व्यंजन। कह रहे या वाक का लोप करने के बाद इधर क्या मिलेगा, स्वर हो जाएगा ना, स्वर के बाद स्वर हो जाएगा ना अगर स्वर दिखाई दिया। कह रहे हैं अस प्रत्याहार का यदि स्वर बड़ होगा तो संधि कार्य नहीं होगा, यदि व्यंजन होगा तो हम कर सकते हैं। तो हुआ ना अगर स्वर के बाद स्वर दिखाई दिया या वाक का लोप करने के बाद क्या दिखाई दिया, स्वर दिखाई दिया तो यहाँ संधि कार्य नहीं होगा, अगर इधर व्यंजन दिख गया तो हम संधि कार्य कर सकते हैं। बात समझ आया, ये लोपा साकल्य है तो लिखिएगा उसकी लोपा साकल्य पहले लिख लो, फिर ग्राफ बना लो है ना। साकल्य आचार्य जो है
अरे भाई यहाँ देखिए लिखा गया है मध्यस्थ, जो दुनिया के एग्जाम्पल लिखे हैं इसका देखिए व्याख्या, यहाँ लिखा गया मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग के लोप हो जाने पर जब दो स्वर समीप आ जाए तो प्रायः उनकी आपस में संधि नहीं होती, मतलब स्वरों के मध्य संधि नहीं होगी। अगर व्यंजन होगा तो संधि का संधि है, लेकिन स्वरों के मध्य संधि नहीं होगी। ये यहाँ अष्टप्रत्यय हाल में दो बातें थी, एक तो स्वर की बात थी, दूसरा व्यंजन की। अगर स्वर आएगा तो हमारा भी सूत्र काम कर जाएगा, कौन सा पूर्व पूर्वात्र सिद्ध भी थी तो सत्य स्वर संधि काम कर जाएगा, समझ में आया। अब अगर यहाँ पे व्यंजन होगा तो हमारा काम है नहीं करेगा, संधि कार्य कोई से नहीं होगा भाई, ऐसे समझो भाई। आपके बाद अगर मान लो कोई अष्टप्रत्यय हाल में व्यंजन आ गया, इधर क्या आ गया व्यंजन आ गया, बहुत चलाक में है पाणी और ये सब, स्वर के बाद कभी व्यंजन कभी होता ही नहीं है, समझ में आया। बचा का स्वर बचा खाने, स्वर के बाद अगर व्यंजन दिख जाए तो उसका मेल कभी होता ही नहीं। कभी आपने देखा अगवा स्वर और मान लो आ और का के जोड़े को देखा कैसे लिख रहा, यस लिख रहा, यस लिखो ना, एक संधि ना हो ना, और अगर का और आ हो तो संधि बन ना, यानी हमेशा सब कहा होना चाहिए किसी व्यंजन के, तभी संधि होगा ना। यहाँ आपके बाद अगर व्यंजन आ जाएगा तो वैसे संधियाँ नहीं होगी। बच्चा स्वर, स्वर के बाद स्वर संधि का विधान है, स्वर के बाद स्वर संधि का विधान है। तो कह रहे जब यह वाक्य लोप कह दिया स्वर के बाद स्वर दिखाती है संधि कार्य न होगी, जब व्यंजन का होता नहीं है तो इसका भी नहीं होगा। ये लोग इसका लोप यदि साकल्य आचार्य इस तरह का अपना नियम बनाया था, जिसको पहले में क्या कह यहाँ बतलाया कि अगर आप चाहे भैया हमारे एचओ यवा यवा के अनुसार चले, और अगर आप साकल्य के अनुसार वाला नियम चाहे तो वो भी आप कर सकते, लेकिन वो वैकल्पिक है, मतलब उन्हों मान्य है हमारो मान्य है, समझ में आया, कर लिए। चलो लिखा करते, समझ नहीं आ रहा है लोग करने की बात हो रही है, या वाला लोग करने के बाद की बात हो रही है। अब आवा ज्यादा पहले लिखा, सूत्र के अनुसार पाणिनि ने साकल्य के नियम को बताते हुए कहा कि साकल्य के नियम को बताते हुए कहा कि यदि पदार्थ या वाक्य पहले कहा कि यदि पदार्थ या वाक्य पहले छोटा या बड़ा हो तथा बाद में अष्टप्रत्याहार का वर्णन हो, तो या वाक्य लोप हो जाएगा, तो या वाक्य विकल्प से लोप हो जाएगा,
तो यह वाक्य विकल्प से लोप हो जाएगा या हो जाता है। हो गया, इतना हो गया, इतना कर लिए, फिर अगला कर लेगा। एवं लुप्त हो, लोप होने के बाद कोई संधि कार्य नहीं होगा, एवं लोप होने के बाद कोई संधि कार्य नहीं होगा। तो ये किसका नियम है? साकल्य का है, जिसको किसने दर्शाया अपने अध्याय में? पाणिनि ने दर्शाया, इसलिए आपको कहा गया पाणिनि ने साकल्य के नियम को बताते हुए कहा है ना, समझ गए ना? यहाँ पे क्या कह रहे हैं, या पदांत या वाक्य पहले छोटा या बड़ा, बाद में क्या हुआ सुप्रत्याहार का वर्ण। अब यहाँ पाणी चाहते या हम आप चाहें तो पदांत क्यों कहा गया? क्योंकि वो साकल्य का नियम था। अब यहाँ पाणी ने जो यावा बाद में दिया हुआ ना, तो अब यहाँ हम अपनी परिभाषा बना सकते हैं कि पाणिन के एचो यावा सूत्र के परिवर्तन कर देने पर, यानी एक प्रत्याहार के बड़ों का जब परिवर्तन आय आव में हो जाए तब लोपा साकल्य से भी कार्य करता। किस रूप में? या वाक्य पहले छोटा बड़ा और बाद में यदि प्रत्याहार का बड़ हो तो हम विकल्प से या वाक्य का लोप कर सकते, समझ गए? दूसरी परिभाषा ये भी बना सकते हैं, ये जो यावा सूत्र की प्रोसेस होने के बाद, वास्तविकता यही है, एचो यवा यावा सूत्र अपना जो प्रोसेस कर चुका होता है उसके बाद ये लगता है ना। वहाँ पे अपना बढ़ा भी सकते हैं कि यह नियम एचो यवा यावा सूत्र के क्या लिखी है यह सूत्र अभी जो आप लोग लिखे हैं, यह सूत्र एचो यवा यावह सूत्र के बाद प्रवृत्त होता है। यह सूत्र एचो यवा यावह सूत्र के बाद प्रवृत्त होता हो गया। अब देखो मुझे अभी पूर्वाक्त सिद्ध में भी लिखना है ना, लिखना ही क्या तो यह लिखना पहले पूर्वाक्त सिद्ध में कि लोक शास्त्र असिद्धत्वा तुनाश्वर संधि गलत लिखे सही लिखा शास्त्र अरे चले तो ये देखिए यहाँ पे ये आप विग्रह समझिएगा इतने का है ना। उधर स्व संधि इधर पूर्वाक्त सिद्ध मतलब ये बात पहले सूचित किया जा चुका है, बतलाया जा चुका है लोपा साकल्य में है ना। लोपा साकल्य में कह दिया गया संधिकार नहीं होता, ठीक, ये इसी में व्याख्या था संधिकार नहीं होता या होता लोप होने के। लेकिन एक संशय था स्वर के बाद स्वर दिखाई दे संधि करे या ना करे, संधि करेगा भाई लोप करने के बाद स्वर के बाद स्वर अगर दिख रहा है तो संधि करने का मन तो करेगा ना भाई। आपके बाद आ दिखाई दे जाए तो आप क्या बोलेंगे भैया, आ अंक बड़ा है या कब बड़ा है, काहे ना करते हो,
बढ़िया पता चलत है हमें यार आ बिचवा में मामू खड़ा रहे अब भाई किए गए ना कुछ काम करबर कहीं ना पाऊं है ना से हम इधर संभव नहीं है बस में आया बीच में कौन था यार था तो यहाँ बड़ा हमें ही होगा बस में आया तो आइए देखिए यहाँ पर ये लोक शास्त्र से इसका व्याख्या सुनिए लोक को शास्त्र से लोकशास्त्र से लोकशास्त्र के आचार शास्त्र है ना लोकशास्त्र के अनुसार धन असिद्धत्वात् ये है असिद्धत्वात् यानी असिद्ध हो जाती है यानी सिद्ध नहीं होती है क्या नहीं स्वर संधि लोक शास्त्र के अनुसार स्वर संधि यहाँ सिद्ध नहीं होती है और पूर्व में ही बता दिया गया है क्या ना यानी यहाँ संधि कार्य नहीं होगा अर्थात स्वर संधि अगर दिखाई दे उसकी भी संधि कार्य नहीं समझ गए ना तो यहाँ दो बार नकारात्मक शब्द का प्रयोग है तो दो बार नकारात्मक शब्द का जब प्रयोग हो जाए तो वो सकारात्मक भी बदल जाता है लेकिन वो प्रश्नोत्तरी में होता है यहाँ नहीं यहाँ अलग अलग जोड़ देना है समझ गए ना तो ये कह रहा है कह रहे लोक शास्त्र के अनुसार असिद्धत्वात् यानी असिद्ध है क्या स्वर संधि यानी लोक शास्त्र के अनुसार यहाँ जो स्वर संधि है वो क्या है सिद्ध नहीं है अर्थात लोक शास्त्र ने स्वर संधि का क्या किया है निषेध किया है इसीलिए पूर्वात्र सिद्धम पहले भी बताया जा चुका है किसमें लोक शास्त्र में और यहाँ भी बताया जा रहा है इसलिए आप जानिए कि यहाँ स्वर संधि की बात अगर आए तो स्वर संधि नहीं हो तो यहाँ देखिए लिखा भी गया है आप बाबूराव सक्सेना में देखेंगे नंबर 3 लिखा गया ना पूर्वात्र सिद्धम में भी ऊपर ऊपर देखा जस्ट ऊपर खा लिखा हुआ है खा ऊपर ही मध्यस्थ व्यंजन कुछ इस तरह है तो नंबर 3 और इन्हें सुझा जाओ क्या है मध्यस्थ व्यंजन नंबर 3 पूर्वात्र सिद्धमिति नंबर 3 से वह विराजा मध्यस्थ व्यंजन अथवा विषय के लोप हो जाने पर जब दो स्वर समीप आ जाए तो प्राय उनकी आपस में संधि नहीं होती वो खाली बुला हो लिखा ही ना वो विराज पहले पहले तो विराज लीजिए विराज लेना ना हाँ अब लिखा के बारे में है ना ये व्याख्या है केवल लोपा साकल्य से सूत्र देने के नाते पारिन को ये व्याख्या देनी बस ना ये सूत्र उत्तर ना है ना इसका सूत्र समझाओ रटा बल में कितना जो सुना है कोई क्या पूरा सुन को क्या चलिए अब इसको लिख लीजिएगा इस व्याख्या के अनुसार यह खाली के बाद था इस व्याख्या के अनुसार यह वाक्य लुप्त हो जाने पर यह वाक्य लुप्त हो जाने पर यदि दो स्वर इस व्याख्या के अनुसार यह वाक्य लुप्त हो जाने पर यदि दो स्वर व्याख्या के अनुसार यह वाक्य लुप्त हो जाने पर यदि दो स्वर समीप आ जाए या पास आ जाए या दो स्वरों के मध्य कुछ भी लिख सकते हो है ना लुप्त हो जाने पर यदि दो स्वर समीप आ जाए तो संधि कार्य नहीं होगा इससे लुप्त हो जाने पर स्वरों के बीच संधि कार्य नहीं होगा दो सब समीप आ जाए तो संधि कार्य ठीक अब इसकी वास्तविक व्याख्या वहां दिया गया है आपको मध्यस्थ व्यंजन अथवा विसर्ग के लुप्त हो जाने पर जब दो सब समीप आ जाते हैं तो वहां संधि कार्य नहीं होता है ठीक देखे किताब देख लिए इसको यहाँ समझ लिए प्रकरण में अब आगे बढ़े आपको जाते जब बात बोल रहा है तो ये हरे 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 हरे
पहले धन ए। अब लोपा सापेक्ष से अगर हम करें तो ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते हूँ, पहले का अगर संदेह तब्दील करो, इधर क्या है ए है, ए के बाद क्या है कोई भी स्वर है, ए का मतलब तो किसमें हो जाएगा ए में, तो ये हरे धन हर हो जाएगा, हर धन आए धन ए ही यही हुआ ना। अब पहले का जोर देने का लिखते हैं हरे हरे धन ए कितना किए हैं। अब लोपा सकलस यहाँ काम कर रहा है, लोपा सकलस वास्तव में यहाँ काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ के पहले क्या है छोटा, बदिया में क्या अस प्रत्याहार का इस या का हम चाहें तो क्या कर दें लोप कर दें, ये हो जाएगा हर यही तो होगा या का लोप कर दिए हैं। अब या का लोप होने पर यह संधि का नहीं होगा, इसलिए हर यही होगा। और अगर हम लोप ना करें तो ये क्या हो जाएगा हर ये ई का संधि है एच ओ यावा ई का है लोप मतलब सारा कथा यहाँ है, सारे सारा कथा कहाँ है एक प्रत्याहार के बलों का परिवर्तन होने पर। जब तक परिवर्तन नहीं हुआ था कौनों कथा ना उजागर में रहा, जब तक हलवा नहीं बना था गाजर का तब तक खाने वाला कोई नहीं था, जैसे बना खा वाले झपट्टा मार रहे बने वाला पहले आते हैं, कुछ इस तरह का भाव होता है ना यहाँ वही हाल है। अब इतना प्रोसेस जिसने किया उसका कोई महत्व ही नहीं है यहाँ भाई, समझ में आया महत्व कहाँ है यहाँ जब खाने का टाइम आया तो हरे धन यही टाइम जोड़ देना थी जो यही करता है पाड़ी यही कर रहे हैं। लेकिन साकल्य आचार कहते यश ना यश ठीकाई, समझ में आया या का लोग किया गया ना मिला, अब तू समझे अगर आप समझ गए जो लिखा गया था अभी सुना आया बड़ा क्या हो या वाक्य पहले हो बाद में क्या हो प्रत्याहार का किसका लोप होगा हुआ ना हो गया। तो यहाँ यही है देखिए हरे धन ए का हर ए ही एक बना है हर ए ही बना है, क्लियर हुआ ये हा? अगला क्या है नेक्स्ट मिश्रो धन विश्रोधन की हो गया। तो यहाँ पे क्या है ओ का ओ के बाद क्या है ओ के बाद ई है जी। अब यहाँ ओ का तो किसमें होगा और इधर क्या था ई था और इधर क्या था विश्व था, अब पूरा प्रोसेस हो गया ना। अब सबसे पहले यहाँ पे आ जोड़ दीजिए पहला काम ये, तो ये क्या हो गया विश्रो हो जाएगा भाई विश्रोधन ई यही हुआ ना। अब इतने खेलस ना मतलब अब यहाँ से मतलब यही से शुरू हुआ। अब यहाँ अगर हम पारे का नियम लेकर चले ये तो ये भैया बात ना तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अगर हम आचार साकल का नियम लेकर चले तो हमारा ये क्या हो जाएगा खेला यहाँ हुआ ना खाने के टाइम तो समझ में आया भोग लगाया जा रहा है। और अब कोई हमें बताई देख ला कहीं के अलावा भी कुछ होगा खुद है मुझे पूछ मेरे और कुछ कोई मुझे हाँ आप खुद ही करके लाना है सर जी अलग अलग क्यों दिखने में समझ नहीं आ रहा है। हाँ तो अलग अलग क्यों दिखने में समझ नहीं आ रहा है तो आप अलग मत करें इसलिए बिछड़ रहे कि और बिछड़ा बता दीजिए मतलब अलग अलग क्यों दिख रहे हैं ये बता दीजिए। हाँ अच्छा दिखाई दी तो है कि एचो है एचो यवा है यहाँ और ये जो है लोपह साकल्यस है। अब समझ आइए लोपह साकल्यस इसमें लगा है ठीक यहाँ भी वही ये लोपह साकल्यस है ये बताओ कि सबसे हया कहाँ यही बात है तो एकदम देखिए ये क्या है एचो इसमें ये सूत्र है ना तो ये आप समझिए इस बात को यही रहा है ना चलो आगे हर ये ही हर ए ही विश्व भी है विश्व ही है ना ये दो वैकल्पिक रूप बन रहे हैं भाई
जैसे प्रो कहता है विकल्प से कर सकते हो तो विकल्प से भैया पिछले इकल ने और वो न लगाना चाहे तो जो यवा कर सकते हैं, समझ गए ना। मतलब पारे अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का जब भी उल्लेख करेंगे तो वो कहीं हमारो कह सकत जा वो न हो कह सकत एक ही ना कहन हुए जो कहन सबसे उत्तम वो नहीं करा हमार न करा बात समझा जैसे तुम जने बत कहिया हो है ना तो आपन बतिया अगर तुम्हारे मुँह से गलत निकल गई बस ऊँख सिद्ध करे तो लाग रहा था आदमी ले बिना कहा भैया हमसे गलती हुई है तो जो क्या हुआ सही कह ना तू जो कहते वो सही था फिर हम जो कहते ये वो सही था यहाँ ऐसी परिस्थिति यहाँ परिस्थिति ऐसी समझ गए ना कि तू जने गवाल है केकर केकर आई नो सकल के अच्छा पारण तू खुद कह दिया तो बात सीधा मिलती जो बात पहले सिद्ध क्या किया जा चुका है मान नहीं होगा तो क्या करे आप पर धक्के लगते हैं भाई साकल आचार्य तो पहले आए थे उन्होंने ये बात पहले कही थी तो पारिन को मान लेना चाहिए था एचो यवा यवा लिखना ही नहीं था एचो यवा यवा इनको लिखना ही नहीं था सीधे लोग का साकल से करके सूत्र बना दिए होते बस समझ आया इनको अपना नियम थोपना नहीं था लेकिन थोप दिए हैं करे करे तो फंस के बाद में समझ में आया जो यावा यावा तो कर लिए तो लोपा साकल्य सके बदिये समझ गए थे हम लोपा साकल्य सही काम कर रहा था कहीं यो सही बहु वो सही चाहे यस निकला चाहे बस जबकि वास्तव में अगर लोपा साकल्य से देखा जाए तो हमारा कैसा होगा ये होगा ये बिल्कुल भी नहीं होगा वास्तविकता ये है विश्व भी ये कतई नहीं होना चाहिए था और हर ये कतई नहीं होना चाहिए था कवे धनिये कवि ये कतई नहीं होना चाहिए था कवि डायरेक्ट आपका क्या हो जाना चाहिए था कव ए इस तरह हो जाना चाहिए समझ में आया यहाँ पहाड़ी में लाया था भाई वो चल रहा हमारी संस्कृति सभ्यता में लागू हो गया समझ गए ना तो लोपा साकलस का यहाँ नियम क्यों दर्शा दिया गया है बाकी इनका ज्ञान इनका ध्यान सब कुछ क्या है बिल्ली गर्त के बिल्ली में चला गया समझ गए ना चल डेढ़ घंटा हो गया हाँ डेढ़ घंटा हो गया तो आधा घंटा क्यों टेस्ट वाला लग गया साढ़े सात बजे टेस्ट वाला लग गया आधा घंटे टेस्ट वाला लग गया लोपा साकल्य से समझ में आया अगर वो कहे हैं या वाक्य पहले छोटा बड़ा आहो बाद में अस प्रत्याहार का बड़ हो इसका मतलब वो पहले से सिद्ध किए पहले सिद्ध किए है ना बस बनाया पानी कहीं नहीं हुआ पहले से ही उन्होंने बताया होगा अब पारिन ने उस नियम को अपने अनुसार ढालना तो चाहा ना हमें का अपने हिसाब से बना दी कुछ समझ में आया भाई जैसे गीत होते हैं तर्ज केवल लोग बदल देते हैं है ना तर्ज बदल देते हैं गाना शब्द बदल देते हैं सब कुछ अभी आप छंद पढ़ गए छंद के लक्षण कई तरीके के आप पाते हैं सबका भाव सबका मतलब वही उतने गढ़ विचार आके बैठेंगे उतने गढ़ बैठेंगे आप लिखे चाहे जैसे समझ में वही भाव यहाँ था लिखे चाहे वही एचो यवा यवा कुल करे चाहे लेकिन भय ना है तो क्या करें लोपा साकल्य से देना पड़ा समझ में आया मैंने कहा पारे से पूर्व जो दस आचार्य हैं ऐसा नहीं था उनको ज्ञान नहीं था उनको संपूर्ण का ज्ञान नहीं था लेकिन जितु ज्ञान रहा विधवत रहा अगर वह कारक रहे तो उन्हें कारक के विधवत ज्ञान रहा आज समझ में कुछ हाँ अब जान अब आगे बढ़ी।
अगर संधि वाले थे तो संधि विद्वत क्या ऐसा नहीं था। अब पारे का सम्मान इसके किया गया क्योंकि ये कुछ छोड़वे ना आती है, कुल बताए डाल इकट्ठे है ना। और अगर पारे में सबके सुख कहीं संधि में कहीं कारक में कहीं कहीं सबको लाया है, इसका मतलब पारे ने इन सबके ग्रंथों को इन सबके व्याकरण ग्रंथों को पढ़ा है, जाना है, समझा है, उसके बाद अपने अष्टाध्याय को लिखा है। हम आप कहानी में बस उतने जानते हैं ना जो लिखा गया है। तो पारे ने उस समय पढ़े लिखे होंगे, उनके ग्रंथों को अभी मुआयना किए होंगे कि कैसे व्याकरण लिखेगा। भाई आप कोई दुकान या कोई बिजनेस करना चाहते हो, पहले देखा था दो चार दुकान कैसे खुला लो है, स्कूल खोलना चाहते हैं दो चार स्कूलों में जाते हैं, मॉडल देखते हैं, पठन पाठन का तरीका देखते हैं, कौन कौन में कौन किताब कापी चलता हो है, तो पहले देखा जाता है ना। तो अष्टाध्यायी लिखे पहले कुल कह रहा हो इन्हें बस नया, तब जाके अपना इन्हें खुल का अब भैया हम अपना अनुमान बता रहे एक क्षेत्र मतलब खाली एक पे छोड़ी रहे, कहने का मतलब इन लोग का पूरा ज्ञान नहीं था। अब इन्होंने संपूर्ण जितना व्याकरण जितने का तुमने ये पढ़े अकेले दे दिए हैं। और जैसे आज शारीरिक लोग पढ़ रहे हो संस्कृत चार व्याकरण क्षेत्र है, साहित्य क्षेत्र है, काव्य क्षेत्र है और दर्शन चार भागों में है। अब यहाँ सबको सब कुछ पता है नहीं, जिसको सब कुछ पता होगा वो सब जाता है ना, पा रही है समझ वैसे ही है ना, समझ गए ना। तो वैसे रहा होगा, अनुमान केवल लगाइए। अब हमसे ही ना पूछे कोई काम का पढ़े रहे कौन डिग्री ले रहे हैं है ना, तो हम लोग बता के वो क्या आचार्य रहा है ना, कौन सी डिग्री लीजिए मैं नहीं बता पाऊंगा, इतना कुंजाने लगा तब दिया कहाँ रहा ना, तब नासा साथ ही चला जाओ इसको लिख लीजिए। इस सूत्र का खाली लिखा है पर व्याख्या हो गया अलग है ना, इसके व्याख्या अलग अलग केवल एक ही बेटा सूत्र है पूरे बेरंगा है। जैसे वहाँ का आप देखते होंगे उच्चारण स्थल बेरंगा है ना, वैसे एक का कुछ मिलक मिलक ना व्याख्या अलग थलग हो और जहाँ पे लग तो वहाँ तो ये प्रत्यय लिख लीजिए, इसका आगाज करेंगे नेक्स्ट डे है ना। चलिए अभिज्ञान शास्त्रों चार ला जाए।